दोस्तों आज हम लोग भाषा विज्ञान की अध्ययन की दिशाएं पर चर्चा करेंगे। अगर आपके परीक्षा में भाषा विज्ञान की अध्ययन की दिशाएं पूछे या फिर भाषा विज्ञान की अध्ययन की पद्धतियां पूछे तो आपको कन्फ्यूज़न बिल्कुल भी नहीं होना है, दोनों का अर्थ सेम ही है। बहुत लंबी प्रश्न नहीं है लेकिन लंबी ना होते हुए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आपके परीक्षा में ये प्रश्न अवश्य पूछी जा सकती है और आप इसको 10 मार्क्स के प्रश्न में मानकर चल सकते हैं, अर्थात 10 मार्क के प्रश्न के तौर पर यह प्रश्न पूछी जा सकती है। तो चलिए आज के विषय को शुरू करते हैं। विषय को शुरू करने से पहले नमस्कार दोस्तों, दिस इज सागर विश्वकर्मा और आप सभी का मेरे वे टू लर्निंग SB चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले आप प्रस्तावना लिखिए। प्रस्तावना में आप लिखिए कि भाषा विज्ञान भाषा के अध्ययन की वो शाखा है जिसमें भाषा की उत्पत्ति, स्वरूप, विकास आदि का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। भाषा के अध्ययन का अर्थ है कि भाषा के मूलभूत तत्व का वैज्ञानिक दृष्टि से अध्ययन करना। भाषा विज्ञान के अध्ययन की अनेक दिशाएं हैं, जैसा कि फेमस भाषा विज्ञानी दसोसुर ने इसकी अध्ययन की 2 दिशाएं बताई है, एकालकिक जिसको हम वर्णनात्मक भी कहते हैं, वही कालक्रमिक जिसको ऐतिहासिक भी कहते हैं। वहीं डॉक्टर भरद्वाज भी इसकी 2 दिशाएं बताते हैं, क्षितिज तथा ऊर्ध्वाधर। ठीक है, मुख्य रूप से भाषा विज्ञान की अध्ययन की 3 दिशाएं हैं, वर्णनात्मक, ऐतिहासिक तथा तुलनात्मक। आज के इस वीडियो में हम लोग भाषा विज्ञान की इन्हीं 3 दिशाओं पर चर्चा करेंगे। आगे भाषा विज्ञान की प्रमुख 3 दिशाएं विस्तारपूर्वक निम्नलिखित है। तो प्रस्तावना में आप इतना लिखिए, उसके बाद आप अपने विषय को शुरू करें। सबसे पहले लिखिए वर्णनात्मक भाषा विज्ञान, जिसको हम एकालकिक भाषा विज्ञान भी कहते हैं। तो वर्णनात्मक भाषा विज्ञान में आप लिखिए कि किसी भाषा के काल विशेष के स्वरूप का अध्ययन और विश्लेषण कर कुछ नियमों का निर्धारण करना ही वर्णनात्मक भाषा विज्ञान के अंतर्गत आता है। जैसा कि वर्णनात्मक नाम से ही स्पष्ट है, इसमें भाषा वर्णन या विश्लेषण रहता है। वर्णनात्मक भाषा विज्ञान को ही दूसरे शब्दों में व्याकरण कहते हैं। ध्वनि संरचना, शब्द संरचना, रूप संरचना, वाक्य संरचना तथा अर्थ संरचना का अध्ययन हम वर्णनात्मक भाषा विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। कहने का तात्पर्य कि वर्णनात्मक भाषा विज्ञान में हम लोग ध्वनि संरचना पर चर्चा करते हैं, शब्द संरचना पर, रूप संरचना पर और वाक्य संरचना, वहीं अर्थ संरचना की बात करते हैं। पाणिनि का व्याकरण इस दृष्टि से उल्लेखनीय है तथा इसकी प्रशंसा पारिय विद्वानों ने भी किया है। वर्णनात्मक भाषा का प्रयोजन किसी भाषा के विकास को दिखाना नहीं है और न ही किसी भाषा को अन्य भाषा से तुलना करना होता है। इसलिए दसोसुर ने वर्णनात्मक भाषा विज्ञान को सिचुएशनल कहा है। आधुनिक भाषा वैज्ञानिकों ने भाषा विज्ञान के वर्णनात्मक अध्ययन से अर्थ विज्ञान को बहिष्कार कर दिया तथा भाषा विज्ञान में केवल भाषा के उच्चारित रूप पर ध्यान दिया, परंतु ये उचित नहीं क्योंकि अर्थ ही ना हो तो मनुष्य और पशु की बोली में क्या अंतर रह जाएगा। जिस प्रकार से भाषा के 3 पक्ष, संवहन, उत्पादन और ग्रहण के बिना भाषा व्यर्थ है, उसी प्रकार उच्चारण किए गए भाषा में अर्थ ही ना हो तो वो भी बेकार तथा व्यर्थ है। दोस्तों भाषा विज्ञान के 3 पक्ष, संवहन, उत्पादन और ग्रहण पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाकर अपलोड किया हुआ है, मैं डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दूंगा, आप वहां जाकर देख सकते हैं या फिर आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर भी देख सकते हैं। तो वर्णनात्मक भाषा विज्ञान में आपको केवल इतना ही लिखना है। अब दूसरे बिंदु को लिखिए, ऐतिहासिक भाषा विज्ञान। क्या विज्ञान? ऐतिहासिक भाषा विज्ञान, जिसको हम कालक्रमिक भाषा विज्ञान भी कह सकते हैं। वर्णनात्मक भाषा विज्ञान में किसी भाषा के काल विशेष के स्वरूप का अध्ययन किया जाता है। वहीं इसके अतिरिक्त ऐतिहासिक भाषा विज्ञान में एक ही भाषा के विभिन्न कालों के स्वरूप का अध्ययन होता है। कहने का तात्पर्य कि एक ही भाषा का विभिन्न कालों में किस प्रकार से विकास हुआ, इन सब बातों पर हम ऐतिहासिक भाषा विज्ञान पर अध्ययन करते हैं। किसी भाषा का पुराने रूपों से नए रूपों का विकास किस प्रकार हुआ, यह दिखाना इसका महत्वपूर्ण कार्य है। किसका? ऐतिहासिक भाषा विज्ञान के अध्ययन का। ठीक है,
इसलिए दोसोसुर ने इसे डायनेमिक सिस्टम कहा है। उदाहरण सहित हम भारत के भाषा को देख सकते हैं। वैदिक युग से लेकर संस्कृत, लोक संस्कृत, प्राकृत से होते हुए आधुनिक भाषाओं का किस प्रकार से विकास हुआ, वही इस पर हम ध्वनि, पद या अर्थ की दृष्टि से भी इसका विकास को देखेंगे। और वही हम लोग ये भी देखेंगे कि उस भाषा के विकास क्रम का क्या कारण था, उन कारणों का क्या परिणाम हुआ इत्यादि आदि बातों का हम ऐतिहासिक भाषा विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। भाषा के ऐतिहासिक अध्ययन में वर्णनात्मक का अध्ययन अनायास ही आ जाता है, क्योंकि विकास दिखाते समय भी काल विशेष की स्थिति को दिखाना आवश्यक होता है। तो ये थी ऐतिहासिक भाषा विज्ञान अध्ययन। अब तीसरा बिंदु है तुलनात्मक भाषा विज्ञान का अध्ययन। ठीक है, तुलनात्मक अध्ययन, जहाँ वर्णनात्मक या ऐतिहासिक अध्ययन में किसी एक भाषा को आधार बनाया जाता है, वही तुलनात्मक अध्ययन से अनेक भाषाओं के अध्ययन को आधार बनाकर उस भाषा का तुलना करता है, क्योंकि बिना अनेक की तुलना की ही नहीं जा सकती। इसलिए कई सारे भाषा का तुलनात्मक अध्ययन इस बिंदु पर, इस अध्ययन में किया जाता है। तुलना के लिए दो या दो से अधिक भाषाओं का काल विशेष के स्वरूपों को लिया जाता है। दरअसल भाषा विज्ञान का जन्म ही तुलनात्मक से ही हुआ है। 18वीं शताब्दी में संस्कृत, ग्रीक और लतीन की तुलना के द्वारा यह बात सिद्ध हुई कि ये तीनों भाषाएं एक परिवार की है, और ये तभी ही सिद्ध हो पाया जब इन तीनों ही भाषा का तुलनात्मक अध्ययन किया गया। परंतु वर्तमान या फिर अब की बात करें तो तुलनात्मक शब्द हटा दिया गया है, इसको अध्ययन की दिशाओं से हटाया गया है, क्योंकि विद्वानों का मानना है कि बिना तुलना के भाषा विज्ञान का अध्ययन संभव है। इसलिए तुलनात्मक अध्ययन को वर्तमान समय में भाषा विज्ञान की दिशाओं में नहीं गिना जाता है। जैसे कि हमने ऊपर देखा कि वर्णनात्मक तथा ऐतिहासिक अध्ययन में तुलनात्मक की आवश्यकता होती ही नहीं है, इसलिए तुलनात्मक अध्ययन को वर्तमान समय में भाषा विज्ञान की अध्ययन की दिशाओं में नहीं गिना जाता है। तो दोस्तों, भाषा विज्ञान की अध्ययन की दिशाओं में आप इतना लिख देंगे तो ये फुल स्कोरिंग रहेगा। आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होगी, और भाषा विज्ञान की अध्ययन की दिशाएं जो मैंने आपको बताया आपको समझ में आई होगी। इसी के साथ और एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु होता है भाषा विज्ञान में, कि भाषा विज्ञान की अन्य विज्ञानों या फिर अन्य शाखाओं के साथ में संबंध, ये अलग और बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। इस पर हम लोग किसी अन्य वीडियो पर चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं बहुत जल्दी आप सभी से किसी अन्य वीडियो के साथ। लेकिन तब तक, अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो पसंद आए या फिर अपना सुझाव देना हो तो कमेंट करें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं बहुत जल्दी किसी अन्य विषय के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।